विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व के मगर रात को सोते वक्त आप क्या करेंगे? जिन लोगों को भी आपकी वजह से दुख हुआ, प्राणी हो या इंसान हो, उनको याद करके क्षमा मांगो कि मुझे क्षमा करो, मैंने आपको दुख पहुंचाया, आगे मैं ख्याल रखूंगा ये दुख मैं न पहुंचाऊं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए सभी प्रार्थना करें। भक्ति के साथ प्रार्थना का कर्म करें। ज्ञान के साथ सही दिशा में प्रार्थना करें। स्वयं को जानकर सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करके बैठें और जिसे भी आप हायर कॉन्शियसनेस जानते हैं, मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, जिस भी नाम से पहचानते हैं, उसे पूरे भाव से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में विश्व के हर मनुष्य पर, हर जीव पर उतरे। आपका शुभ्र प्रकाश न केवल उपचारक है बल्कि मुक्तिदायी है। यह मुक्तिदायक प्रकाश सब मनुष्यों को अज्ञान से मुक्त करे। यह शुभ्र प्रकाश, उपचारक प्रकाश, सभी को स्वस्थ करे। सभी अपनी बीमारियों से मुक्त होकर स्वयं को पहचानने का कर्म करें। सभी आपके अंश हैं, सभी को अपने पास आने के लिए संकेत दो, प्रेरणा दो। सभी आपके अंश बनकर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाएं। आपके गुण मनुष्य के गुण हैं। ये गुण हर इंसान प्रकाशित करे, सभी में वे गुण सभी को मदद करें प्रेम आनंद मौन का जीवन जीने के लिए। हे परमात्मा, आप भी यही चाहते हैं। मनुष्य
आपकी नजर में सर्वोपरि रचना है। इस रचना में जो भी बीमारियां आई हैं वे समाप्त हो जाएं, जो भी मान्यताएं इंसान में आई हैं वे नष्ट हो जाएं, सभी स्वस्थ हो जाएं, सभी आनंद में भरपूर अभिव्यक्ति करें, एक दूसरे को मदद करें, सभी समृद्धि पाएं, सभी संतुष्टि पाएं। आप यह कर सकते हैं, आप यह कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं भावों को अपने शब्दों में प्रार्थना रूप में मन ही मन दोहराएं, कहें पूरी श्रद्धा से विश्वास से, यह हो रहा है ऐसा जानकर। सभी के ऊपर शुभ्र प्रकाश विजुअलाइज करें, पृथ्वी पर यह प्रकाश सभी को आरोग्य दे रहा है, समृद्धि दे रहा है, सकारात्मक विचार दे रहा है, खुशी से लबालब कर रहा है। ऐसे भावों को, ऐसी तरंगों को, ऐसी किरणों को सब तक पहुंचने में मदद करें, सब तक पहुंचाने में मदद करें। प्रार्थना जारी रहे। मंगल कामना चलती रहे। हर शरीर ईश्वर का मकान है। हर शरीर में परम शांति पहले से ही है। बाहरी विचार, बाहरी डर इस शांति को प्रकट होने से रोक रहे हैं। ये पर्दे हट जाएं, शांति का प्रकाश हर देह से बाहर आ रहा है। ऊपर से शुभ्र प्रकाश, भीतर से शांति का प्रकाश, सभी जुड़कर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। पृथ्वी पर ही जीवित ही लोग इस स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। ऐसे भाव रखते हुए प्रार्थना करते रहें। अंत में तपर्पण करेंगे अपने अर्जित बल का, लोक कल्याण के लिए, हर जीव कल्याण के लिए। मैं अपनी प्रार्थना और ध्यान का बल अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। इस भाव से तपर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो बैकग्राउंड में समझ क्या हो, सभी गुणों के पीछे मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मंदिर है, पुजारी मन है, ये फिसलता है रेत के कण जाते अंधाधुंध काम करता है, सैंडल को चंदन समझ लेता है, सैंडल रगड़ता है तो सैंडल मत रगड़ो, तेल में मत फिसलो, अंधाधुंध काम मत करो, जाग जाओ, आप कौन हो ये समझ प्राप्त हो जाए, सही संग में रहो, सही संग में। और जैसे बताया वर्तमान में रहो, प्रेम में रहो, निरंतर रहो, ये तीन बातें आपने समझी। और हर रात सोते वक्त एक हैबिट रखो, एक हैबिट, हैबिट क्या, सोते वक्त दिन भर में जिन लोगों को भी आपकी वजह से हर्ट हुआ, आपकी वजह से उनको दुख पहुंचा, वाणी से, क्रिया से, विचार से, भली गलती उसकी हो, देखो किसी गलती की वजह से आप किसी को डांटते हो उसको दुख तो होता है, भली गलती उसकी हो, मगर रात को सोते वक्त आप क्या करेंगे, जिन लोगों को भी आपकी वजह से दुख हुआ, प्राणी हो या इंसान हो, उनको याद करके क्षमा मांगो कि मुझे क्षमा करो, मैंने आपको दुख पहुंचाया, आगे मैं ख्याल रखूंगा ये दुख में न पहुंचाऊं। ऐसे इंसान को साक्षी रखो, उस इंसान को जब आप कहोगे, साथ में एक और इंसान जिसको आप आदर करते हो जीवन में, आप जिसको भी, कोई टीचर हो आपका, कोई बड़ा भाई हो, पिताजी हो, दादाजी हो, जिसको भी आप मानते हो, उसको साक्षी रखकर उसके प्रेजेंस में उस इंसान को मन ही मन में कहो कि मुझे क्षमा करो, मेरी वजह से तुम्हें दुख हुआ, आगे मैं और ख्याल रखूंगा। जितने भी लोगों को दुख पहुंचाया सभी से क्षमा मांगो, और आप क्षमा कर दो जिनकी वजह से आपको दुख हुआ कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। ये एक हैबिट, जैसे कि ना एक गुण, एक हैबिट आपका जीवन बदल देगी, क्वालिटी आपके जीवन की बदल जाएगी। हर रात सोते वक्त ये हैबिट रखो, क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, स्लेट क्लीन कर दो, दूसरे दिन नए सिरे से चमत्कार आपको दिखेंगे, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, जीवन में जागृति बढ़ जाएगी, आपको आश्चर्य होगा। रोज रात निरंतरता से अगर आप ये करते रहे, कुछ ही दिनों में देखोगे आप हल्के फुल्के होते जा रहे हो, नींद भी अच्छी आ रही है और रिलेशंस भी अच्छे हो रहे हैं। सबसे बड़ा जो बोझ है अंदर समाप्त होते जाएगा, बहुत बड़ा बोझ लेकर लोग घूम रहे, रोज हर्ट हो रहे, हर्ट कर रहे, जमा हो रहा कचरा। जिनको मोक्ष चाहिए, जिनको जीवन में ही आत्म साक्षात्कार चाहिए, उनको कचरा रोज का रोज साफ करना है, क्वालिटी बढ़ानी है ना, तो ये कचरा निकालना है, रोज का रोज निकालना है। बैकग्राउंड में समझ रखेंगे आप शरीर नहीं हो, इस समझ के साथ जीवन जिएंगे। ये कुछ बातें थी जो आज आपको बतानी थी। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।